खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गणपति विसर्जन के दिन समुद्र किनारे का हाल बेहाल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इस बार अक्सा बीच पर इतना कचरा नजर नहीं आया जितना अमूमन होता है। अक्सा बीच क्लीन कैंपेन में साफ सफाई करते नजर आए टोटल धमाल अभिनेत्री निहारिका, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अय्यर, सिर्फ दंगल के अभिनेता ऋत्विक और भोजपुरी अभिनेता अभिनेत्री। ये आपको ले चलते अक्सा बीच क्लीन कैंपेन पर, हम भी जरा साफ सफाई कर ही आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सफाई हमारी ज़िंदगी में और हमारे आसपास के माहौल में होनी चाहिए। और हमारा जो हम लोग हैं जो 377 हटने के बाद में हमारी एक जो इक्वल होने का जो संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो हम चाहते कि समाज के साथ मिलकर उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो सफाई का हो या हर एक जगह क्यों ना हो। तो हम लोग चाहते कि हम ये कंधे से कंधा मिला के हर एक चीज़ में आगे आए। और आज जब अक्सा बीच पे जब ये सफाई करने का जो अभियान चला है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तो इन चीज़ों में सबसे आगे ही रहते हैं, क्योंकि अगर दिल साफ है, मन चंगा, तो सब कुछ चंगा जग संग का। पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन मैं एज ए गुड नागरिक यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी निभाने आई हूँ। क्या माहौल देखा यहाँ पे आपने, कितनी गंदगी मिली आपको? बहुत बहुत गंदगी मिली है। विसर्जन के टाइम पे तो वैसे ही बहुत गंदगी होती है, लेकिन मैं त्यौहार को नहीं ब्लेम करूँगी, मैं लोगों की सोच को ब्लेम करूँगी जो यहाँ पे फिर अपना कचरा, प्लास्टिक स्पेशली जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो ऐसे फेंक के चले जाते हैं। इट्स वेरी बैड। हम लोग तो है ना, सबका कर्तव्य है, सिर्फ BMC को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। सबका ये भारतीय, हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि साफ सफाई होना चाहिए और हमें स्वच्छता अभियान का एक घटक बनना चाहिए। क्योंकि कभी कहा भी गया ऐसा कि जहाँ साफ सफाई है वहाँ सरस्वती आती है, और जहाँ सरस्वती आती है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो मैं यही कहूँगा कि फेस्टिवल बहुत अच्छा है, ये हर साल होता है। माननीय लोकमान्य तिलक जी ने इसकी शुरुआत की है और कोई सोच से ये शुरुआत थी, आज ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया है। और ये बात ज़रूर है कि स्वच्छता की कुछ कमजोरियां हो रही है, लेकिन वो कुछ दिनों में धीरे धीरे जब लोग जागरूक हो जाएंगे, काफ़ी जागरूकता दिखी है। नहीं तो मुझे तो काफ़ी साफ लगा था कि यार हम लोग किधर साफ करेंगे, ऐसा भी मुझे लगा था। क्योंकि नहीं तो जनरली पहले के मेरे एक्सपीरियंस बड़े अलग हैं, बहुत गंदगी होती थी, लेकिन अभी शायद लोग जागरूक हो गए हैं धीरे। गुड मॉर्निंग, अच्छा लगा। मैं एक्चुअली गणपति विसर्जन तो सबको देखता है, मैं सोचा क्या गणपति विसर्जन के बाद में बीच पे क्या हाल होता है, देखने चलो। देखने आया, देखा सब लोग सफाई में जुटे हुए, मैं भी हाथ लगा, अच्छा लगा। मूर्तियाँ, कुछ मूर्तियाँ हैं जो रिटर्न आ गई हैं, कुछ लोग उनको वापस ले जा करके पानी में डाल रहे हैं टेढ़ा करके, ताकि वो गड्ढे में चली जाए, मेल्ट हो जाए। तो चीज़ें चल रही हैं, पूरे लोग जुटे हुए हैं, अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार कहना चाहती हूँ, और ये बहुत अभी सुबह का मैं सबको गुड मॉर्निंग विश करना चाहूँगी। और अभी हम लोग जो हैं वो, जैसे क्या होता है कि अभी गणपति विसर्जन हुआ है, जिसकी वजह से आप सब गणपति बप्पा की मूर्तियाँ हैं, और काफ़ी गंदगी तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये सब हम गणपति बप्पा का प्रसाद है, लोगों की आस्था है, तो उसे मैं कचरा तो बोल के उसका अपमान नहीं करना चाहूँगी। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामान है, चाहे वो फूल है, माला है, या गणपति बप्पा की मूर्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें तो मतलब उनका आपके पर्यावरण को दूषित करती हैं। गणपति बप्पा मोरिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, डन सर।